नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा में पैसे के अभाव के कारण अब कोई भी गरीब बच्चा उच्चतर शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। विश्वविद्यालय में ऐसे बच्चों की परिवार पहचान पत्र के डाटा से वार्षिक आय की श्रेणी निर्धारित करे। प्रदेश सरकार ऐसे गरीब बच्चों की फीस वहन करेगी, ये कहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले दिनों सीएम ने ट्रिपल पी के जरिए ही बाढ़ पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाई है, इसका जिक्र खुद सीएम कर चुके हैं। बाढ़ पीड़ितों को भी इसके माध्यम से सहायता मिली है। अब शिक्षा के लिए भी ट्रिपल पी के हिसाब से ही गणना होगी। देखिए रिपोर्ट। पीपीपी के जरिए कई मायनों में फायदा पहुंच रहा है, जिसे लेकर एक बार फिर सीएम की तरफ से एक और फायदा पहुंचाया गया है। अब हरियाणा में पैसे के अभाव के कारण अब कोई भी गरीब बच्चा उच्चतर शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। विश्वविद्यालय ऐसे बच्चों की परिवार पहचान पत्र के डाटा से वार्षिक आय की श्रेणी निर्धारित करे। प्रदेश सरकार ऐसे गरीब बच्चों की फीस वहन करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिनके पास वित्त विभाग का प्रभार भी है, की अध्यक्षता में सोमवार को ही स्थायी वित्तीय समिति सी की बैठक में खेल विश्वविद्यालय हरियाणा राई सोनीपत के भवन व अन्य निर्माण कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अपने वर्ष 2023-24 के बजट अभिभाषण में सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाकर राई सोनीपत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स पोषण और खेल शिक्षा जैसे खेलों से संबंधित विभिन्न विषयों में अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लेने की जानकारी सदन को दी थी और आशा व्यक्त की थी कि खेल विश्वविद्यालय वर्ष 2023-24 में काम करना शुरू कर देगा। इसी कड़ी में आज अपने वायदे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के लिए स्थायी वित्त समिति सी में 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की, जिसमें 50 करोड़ रुपए ऋण के रूप में अनुदान तथा 50 करोड़ रुपए ग्रांट इन एड के रूप में शामिल है। बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति एसएस देसवाल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि हरियाणा खेल विश्वविद्यालय 254 करोड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। साल 2023-24 में 100 करोड़ रुपए, 2024-25 में 230 करोड़ रुपए, 2025-26 में 200 करोड़ रुपए तथा 2026-27 में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुल 630 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है। विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान में पीएचडी, एमएससी, बीएससी के नियमित कोर्स होंगे। इसके अलावा 50 सीटों पर 42 दिन का फिटनेस सर्टिफिकेट कोर्स भी आरंभ करने का प्रस्ताव है। एमएससी की 20, बीएससी की 50, पीएचडी की 5 सीटें होंगी। हरियाणा के युवा सेना, अर्धसैनिक बल व पुलिस में भर्ती होने के लिए व शारीरिक तौर पर तैयारी करने के लिए प्राइवेट एजेंसियों के पास जाते हैं, जहां पैसे भी अधिक लिए जाते हैं। विश्वविद्यालय कम पैसे में कोर्स करवाएगा। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि वर्तमान में देश में पटियाला, इम्फाल, चेन्नई व वडोदरा में खेल विश्वविद्यालय संचालित है। इसके अलावा समिति ने लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के लिए 105 करोड़ रुपए जारी करने की स्वीकृति प्रदान की। आपको बता दें कि पिछले दिनों सीएम ने पीपीपी के जरिए ही बाढ़ पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाई है, इसका जिक्र
खुद सीएम मनोहर लाल ने किया। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि पीपीपी के इस्तेमाल अब डाटा आसानी से मिल जाते हैं। पीपीपी के जरिए जो डाटा अपडेट हुए हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पीपीपी पर 72 लाख के करीब परिवार रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, इनमें से 68 लाख के करीब परिवारों का डेटा सरकार द्वारा वेरीफाई करवाया जा चुका है। राज्य में अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या 13,68,365 है। आज की कुल आबादी 58,61,000 से अधिक है। पिछड़ा वर्ग ए के 11,23,352 परिवार हैं। इनकी जनसंख्या 47,93,312 बनती है। बाहर से जो भीड़ होते हैं उनको बहुत जल्दी राहत दी गई है। देखिए, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी, इसका बहुत बड़ा उपयोग हमको हुआ है और उस टेक्नोलॉजी के कारण से आज हमारे पास हर परिवार का एक डाटा, परिवार पहचान पत्र का, वो हमारे पास है और आज वेरीफाई करने में देर नहीं लगती है। किसी भी व्यक्ति का कोई क्लेम होता है, कोई उसको मुआवजा देना होता है, चाहे वो किसी के किसान का भी होता है, तो आज सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोई आदमी भरता है उसको तुरंत वेरीफाई करते हैं, और सिर्फ वेरीफाई करना होता है और क्या करना होता है, बजाय उसको हम लटका के रखें, वेरीफाई हुआ और तुरंत उसको मुआवजा दे दिया। ये हमारी सरकार का एक इकबाल है, इसको बराबर बनाए रखेंगे। और मैं तो इसके साथ जो और विषय आज आपके सामने रखने हैं कि कल मैं सिरसा और फतेहाबाद दो ज़िलों में गया था। हवाई सर्वे के नाते से मैंने देखा फतेहाबाद ज़िले में पानी काफ़ी गांव में अभी भी फैला हुआ है, सिरसा ज़िला में काफ़ी कंट्रोल हुआ है, लेकिन राजस्थान की ओर पानी जो जाने की गति है वो भी और सुधार की आवश्यकता है ताकि पीछे का पानी निकल करके आगे बढ़े। संयोग से कल दोबारा से वर्षा हिमाचल में पहाड़ों में हुई है, जिसके कारण से यमुना का जलस्तर भी बढ़ा, गग्गर का बढ़ा है, लेकिन उन इलाकों में असर इसका कुछ समय के बाद जाएगा। हो सकता है असर कम पड़े क्योंकि बाकी जगह पानी का जो फैलाव हुआ है वहाँ पानी अब निकल गया है, तो पानी के यानी एक प्रकार से वहाँ समाने की अभी फैलाव होने की जो गुंजाइश है, तो आगे पानी कम जाएगा। फिर भी हम जल्दी जल्दी पानी को आगे निकालें ताकि पानी का बहाव तेज़ बने, तो इस ओर हम लगे हैं। जहाँ तक कोई भी नुकसान है उसके मुआवजे के लिए हमने पोर्टल अपना खोल दिया है क्षतिपूर्ति, उसमें किसानों के लिए भी और उसमें आज से अन्य कोई नुकसान है उनके लिए भी हर प्रकार का, और उसको वेरीफाई करेंगे। 7 दिन में वेरीफाई होगा और 7 दिन के बाद वेरीफिकेशन के बाद इसी प्रकार जैसे आज आपके सामने मुआवजा हम दे रहे हैं, ऐसे मुआवजे बाकी भी लोगों को जो प्रभावित हैं उनको दे दिया जाए। अभी 35 लोगों की कन्फर्म हमारे पास जानकारी है जिनको आज जो है ये राशि बांटी गई है। पूरे हरियाणा में बांटी गई? पूरे हरियाणा में आठ जिलों में ये संख्या रही है, जैसे 6 संख्या यहाँ की है, 8 संख्या अम्बाला की है, अलग अलग जिलों की है, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 3, तो सब जिलों को आज जो है उनको एक प्रकार का टोकन जो है कहीं चेक के माध्यम से कहीं पत्र के माध्यम से पैसा सीधा RTGS से उनके खाते में जाएगा। करनाल में आपके उसके बारे में? करनाल में भी जैसा मैं लगातार जब आता हूँ तो कुछ वार्डों में गाँव में जा करके जन संवाद के कार्यक्रम जो मेरे चल रहे हैं उसको मैं पूरा करता हूँ। आज 18 कार्यक्रम हो चुके हैं कुल गाँव के, और जो वार्डों के हैं 26 में से 8 कार्यक्रम बचे हैं, वो अगले 2-3 बार आके मतलब किसानों की इंद्री बैंड के ऊपर किसानों के खेतों में रेता काफी जम गया सर, वो तो खेती करने में बड़ी दिक्कत आएगी और उनको बड़ी उम्मीद है कि हमारी जो आपकी सरकार है वो जल्दी समाधान करेगी। सर मैंने बताया कि बाढ़ का जो प्रकोप है उसका असेसमेंट सब चीज़ों का होना शेष है, अभी तो अपने आप लोग जो असेसमेंट कर रहे यानी पोर्टल पर भर रहे हैं, फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर जो कमेटियां बनी हैं वो उसका असेसमेंट करेंगे और जो उनकी ओर से हमें फाइनल रिपोर्ट मिलेगी उसके हिसाब से उनका सबका मुआवजा दिया जाएगा। आप लंबे समय से राजनीति कर रही हैं, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष चला रहे हैं, बाकी 3 नेताओं ग्रम चला रहे हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के तौर पर चला रहे हैं, हम जन सेवा के नाते जन संवाद के कार्यक्रम में जाकर लोगों से उनकी तकलीफें पूछते हैं, जो हमने किया है वो बताते हैं, जो करना और आवश्यक है वो उनसे पूछ करके तुरंत उस पर करते हैं काम। आज भी जैसे मैं अब 2 वार्डों में होकर के आया हूँ तो लोगों ने जो अपनी समस्याएं बताई हैं, कल आज सुबह मेरी सभी पार्षदों के साथ भी बैठक थी, मीटिंग थी, आपने देखा ही है, उन्होंने भी जो
अपनी डिमांड्स बताई हैं, हमने अधिकारियों को बता दिया कि वो सारे हमारे यहाँ रेगुलर काम करने का जो सिस्टम है बना है उससे जनता खुश है, जनता के काम हो रहे हैं, हम किसी प्रकार की राजनीति नहीं। नगर निगम की मीटिंग ली उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं सर? नगर निगम की मीटिंग में लोगों ने अपने यानी पार्षदों ने जो काम बताए हैं वार्डों के वो भी हमने नोट किए हैं, आगे बताए गए हैं, और खास करके जो प्रॉपर्टी आईडी और जो अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनीज इसका विषय है वो अधिकारियों ने ठीक से सबको बताया है और उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी ये सारे काम पूरे। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों से ही ये संभव हो सका है कि आम जनता पीपीपी के माध्यम से सरकार की तमाम योजना का लाभ ले पा रही है। इसके तहत सीएम समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। सीएम के प्रयासों का ही ये नतीजा है कि योजना का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और अधिकारियों से भी बातचीत की है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल बाढ़ के हालातों का समय समय पर जायजा ले रहे हैं। इससे पहले सीएम मनोहर लाल सिरसा भी पहुंचे थे और करनाल भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने हवाई सर्वे भी किया था और अधिकारियों से बातचीत भी की थी। इसके अलावा अधिकारियों को निर्देशित भी किया था। सीएम मनोहर लाल की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाई गई है और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को अपने जनसंवाद कार्यक्रमों की कड़ी को आगे बढ़ाया। करनाल में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आम जनता से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष लोगों ने अपनी समस्याओं को भी रखा, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। जिन समस्याओं का मौके पर हल नहीं हो सका, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि भी प्रदान की है और अपनी संवेदना प्रकट की। पवन क्या लगते है तुम्हारे? लड़का था। अच्छा, तुम्हारा बेटा था पवन। कितनी उम्र थी उसकी? 19 साल। कैसे डूब गया वो? ऊपर से आसमान में बिजली गिरी। तो ऐसा है, ये 4 लाख रुपया सरकार ने सैंक्शन करके तुम्हें दिया है उसके जो मुआवजे के रूप में, है ना? तो ये तुम्हारे बैंक में आज पहुंच गया होगा, नहीं तो कल सवेरे पहुंच जाएगा। ठीक है सर। बाकी दुख तो बहुत है, अब लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना? चल ठीक है। इसी प्रकार सेकंड डिजीज, तो इनके पिता है पाला, एक के पिता हो गए, एक के ससुर हो गए। आपका नाम पाला है, आपका बेटा, आपकी पुत्रवधू दोनों चले गए हैं। बड़ा दुख हुआ है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं। जो सरकार की ओर से आपको जो है 8 लाख रुपया ले लो। चलो ठीक है। फिर करतारी देवी हैं जिनका ध्यान हुआ, ये गांव डबकोली कला की हैं, 85 वर्ष उनकी उम्र थी। तो उनका बेटा श्रीचंद, तो भाई अब माँ गई लेकिन बाढ़ के कारण से गई है, इसलिए तुम्हें जो राशि है 4 लाख रुपए आ जाओ उधर देखो। चलो, माँ के जाने का अफसोस तो है, कोई बात नहीं। चलो सावन, ये भी छोटा लड़का है, 13 साल की उम्र है। आपका बेटा है? फिर एक सुंदर है, वो भी 70 साल के है, उनका भी बेटा आया है, क्या नाम? बलिंदर। तुम्हारे पिताजी सुंदर थे? कैसे डेथ हुई? छत गिर गई, नीचे बैठे थे। ये लो, 4 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में पहुंच गया होगा या पहुंच जाएगा आज। चल
तक। एक ये महिला आज मिली थी हमको सुबह, तो इसका जो राशन कार्ड कटा था लेकिन इनकम में जो वेरीफाई किया है तो 180 से नीचे ही मिली है, इसलिए इनका राशन कार्ड बना के सेक्टर 18 वाले दिन उसमें मिले थे सर। हाँ सेक्टर 18 दिन सवाल बाहर कितने परिवार के सदस्य कितने, चार है तुम्हारे? पाँच है कार्ड में, लेकिन चार लिखा है, इसको ठीक करा लेना, इसको ठीक करा लेना, चार से पाँच करा लेना अभी। नहीं वो तो तुम्हें ठीक कराना पड़ेगा एडीसी ऑफिस में। तुम्हारा जो राशन कार्ड बना है उसमें अभी मेंबर परिवार पहचान पत्र में चार लिखे हुए हैं, इसको पाँच करा लेना, ठीक है। जैसा हमको पता है कि हरियाणा में जो बाढ़ आई है उस बाढ़ में कुछ लोग जो प्रभावित हुए, जिनका देहांत हो गया, जो जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसे परिवारों के जो लोग हैं जो उनके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं उनको उसकी जो एक राशि, क्लेम राशि जिसको कह सकते हैं या जिसको एक मुआवजा कह सकते हैं, वो हमने हरियाणा में आज बांट दिया है। और उसी क्रम में करनाल ज़िले के ऐसे कुल 6 लोग हैं उनको यहाँ बुलाया है, उनमें से जो आए हैं उनको 4 लाख रुपए की राशि प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो दी जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान जनसंवाद को लेकर कहा कि समय समय पर मैं लोगों के बीच पहुंचता हूं और सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, यही मेरी कोशिश रहती है। आपके उसके बारे में बता, करनाल में भी जैसा मैं लगातार जब आता हूँ तो कुछ वार्डों में गाँव में जा करके जनसंवाद के कार्यक्रम जो मेरे चल रहे हैं उसको मैं पूरा करता हूँ। आज 18 कार्यक्रम हो चुके हैं कुल गाँव के, और जो वार्डों के हैं 26 में से 8 कार्यक्रम बचे हैं, वो अगले 2-3 बार आके मतलब समस्या आई है किसानों की इंद्री बेल्ट के ऊपर किसानों के खेतों में रेता काफी जम गया सर, वो तो खेती करने में बड़ी दिक्कत आएगी और उनको बड़ी उम्मीद है कि हमारी जो आपकी सरकार है वो जल्दी समाधान करेगी सर। मैंने बताया कि बाढ़ का जो प्रकोप है उसका असेसमेंट सब चीज़ों का होना शेष है, अभी तो अपने आप लोग जो असेसमेंट कर रहे हैं यानी पोर्टल पर भर रहे हैं, फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर जो कमेटियां बनी हैं वो उसका असेसमेंट करेंगे और जो उनकी ओर से हमें फाइनल रिपोर्ट मिलेगी उसके हिसाब से उनका सबका मुआवजा दिया जाएगा। आप लंबे समय से राजनीति कर रही हैं, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष चला रहे हैं, बाकी 3 नेता हम चला रहे हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के तौर पर चला रहे हैं, हम जनसेवा के नाते जन संवाद के कार्यक्रम में जाकर लोगों से उनकी तकलीफें पूछते हैं, जो हमने किया है वो बताते हैं, जो करना और आवश्यक है वो उनसे पूछ करके तुरंत उस पर करते हैं काम। आज भी जैसे मैं अब 2 वार्डों में होकर के आया हूँ तो लोगों ने जो अपनी समस्याएं बताई हैं, कल आज सुबह मेरी सभी पार्षदों के साथ भी बैठक थी, मीटिंग थी, आपने देखा ही है, उन्होंने भी जो अपनी डिमांड्स बताई हैं हमने अधिकारियों को बता दिया कि वो सारे हमारे यहाँ रेगुलर काम करने का जो सिस्टम है बना है उससे जनता खुश है, जनता के काम हो रहे हैं, हम किसी प्रकार की राजनीति नहीं। नगर निगम की मीटिंग ली है, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं सर? नगर निगम की मीटिंग में लोगों ने अपने यानी पार्षदों ने जो काम बताए हैं वार्डों के वो भी हमने नोट किए हैं, आगे बताए गए हैं, और खास करके जो प्रॉपर्टी आईडी और जो अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनीज इसका विषय है वो अधिकारियों ने ठीक से सबको बताया है और उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी ये सारे काम पूरे होंगे। सीएम मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र को लेकर भी बात की और कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा हम ले रहे हैं। सिरसा के दौरे का सीएम मनोहर लाल ने जिक्र किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि हर कठिन परिस्थिति में सरकार साथ है, राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, लोगों को जल्द से जल्द राहत मिलेगी, 35 लोगों को राहत देने की सीएम ने जानकारी दी। बाहर से जो पीड़ित होते हैं उनको बहुत जल्दी राहत दी गई है। देखिए जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी इसका बहुत बड़ा उपयोग हमको हुआ है और उस टेक्नोलॉजी के कारण से आज हमारे पास हर परिवार का एक डाटा, परिवार पहचान पत्र का वो हमारे पास है और आज वेरीफाई करने में देर नहीं लगती है। किसी भी व्यक्ति का कोई क्लेम होता है, कोई उसको मुआवजा देना होता है, चाहे वो किसी के किसान का भी होता है, तो आज सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोई आदमी भरता है उसको तुरंत वेरीफाई करते हैं, और सिर्फ वेरीफाई करना होता है और क्या करना होता है, बजाय उसको हम लटका के रखें, वेरीफाई हुआ तुरंत उसको मुआवजा दे दिया, ये हमारी सरकार का एक इकबाल है, इसको बराबर बनाए रखेंगे। और मैं तो इसके साथ जो और विषय आज आपके सामने रखने हैं कि कल मैं सिरसा और फतेहाबाद 2 जिलों में गया था, हवाई सर्वे के नाते से मैंने देखा फतेहाबाद जिले में पानी काफ़ी गांव में अभी भी फैला हुआ है, सिरसा जिला में काफ़ी कंट्रोल हुआ है, लेकिन राजस्थान की ओर पानी जो जाने की गति है वो अभी
और सुधार की आवश्यकता है ताकि पीछे का पानी निकल करके आगे बढ़े। संयोग से कल दोबारा से वर्षा हिमाचल में पहाड़ों में हुई है, जिसके कारण से यमुना का जलस्तर भी बढ़ा, गग्गर का बढ़ा है, लेकिन उन इलाकों में असर इसका कुछ समय के बाद जाएगा। हो सकता है असर कम पड़े क्योंकि बाकी जगह पानी का जो फैलाव हुआ है वहाँ पानी अब निकल गया है, तो पानी के यानी एक प्रकार से वहाँ समाने की अभी फैलाव होने की जो गुंजाइश है, तो आगे पानी कम जाएगा। फिर भी हम जल्दी जल्दी पानी को अगर निकालें ताकि पानी का बहाव तेज़ बने, तो इस ओर हम लगे हैं। जहाँ तक कोई भी नुकसान है उसके मुआवजे के लिए हमने पोर्टल अपना खोल दिया है, क्षतिपूर्ति उसमें किसानों के लिए भी, और उसमें आज से अन्य कोई नुकसान है उनके लिए भी हर प्रकार का, और उसको वेरीफाई करेंगे। 7 दिन में वेरीफाई होगा और 7 दिन के बाद वेरीफिकेशन के बाद इसी प्रकार जैसे आज आपके सामने मुआवजा हम दे रहे हैं, ऐसे मुआवजे बाकी भी लोगों को जो प्रभावित हैं उनको दे दिया जाए। अभी 35 लोगों की कन्फर्म हमारे पास जानकारी है जिनको आज जो है ये राशि बांटी गई है। पूरे हरियाणा में बांटी गई है? पूरे हरियाणा में आठ जिलों में ये संख्या रही है। जैसे 6 संख्या यहाँ की है, 8 संख्या अम्बाला की है, अलग अलग जिलों की है, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 3, तो सब जिलों को आज जो है उनको एक प्रकार का टोकन जो है कहीं चेक के माध्यम से कहीं पत्र के माध्यम से पैसा सीधा RTGS से उनके खाते में जाए। सीएम मनोहर लाल की कोशिश यही है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों तक वो पहुँचे और लोगों को राहत दी जा सके। इसके लिए समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल चिंता जाहिर कर चुके हैं, हवाई सर्वे कर चुके हैं, अधिकारियों से मीटिंग ले चुके हैं, जिसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू किया जा रहा है, सभी टीमें अभी भी तैनात हैं, क्योंकि लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, यानी कि खतरा अभी भी है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर लोगों के बीच पहुंचते हैं, जनसंवाद करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। समस्याओं का हल भी मौके पर ही किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें आज करनाल में देखने को मिली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।